चलो हम शरीर संचालन से शुरू करते हैं। दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल पर उठाएं। रेज योर हैंड्स इन द लेवल ऑफ शोल्डर, कीप ऑन स्प्रेडिंग योर फिंगर्स, दिस इज वन। देन अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों टच कीजिए अंगूठे को, फिर से एक, फिर से दो, तीसरी बार फिर से एक, और तीसरी बार फिर से दो। वेरी गुड। नो रोटेट योर रिस्ट, 1 2 3 4 5, उल्टा भी घुमाएंगे, 1 2 3 4 and 5। नेक्स्ट, हाथ को दीवार से चिपका दीजिए, ग्लू योर पाम्स टू द वॉल, ऊपर फिर नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, एक बार और करें, ऊपर और फिर से नीचे। पीछे से जोड़िए हथेलियों को, उंगलियां अंदर मोड़िए, रिस्ट को घुमाइए सामने ला करके नीचे। यू हैव नॉट टू बेंड योर एल्बोस, फिर से समेटना शुरू करें विदाउट बेंडिंग द एल्बोस, पीछे से जोड़ने। सेकंड टाइम, फिर से सामने ला करके नीचे खींचो। वेरी गुड। फिर से समेटिए रिस्ट को, घुमाइए, जोड़ दीजिए पीछे, एक बार और करेंगे सभी, सामने ला करके नीचे, पूरा स्ट्रेच करें और फिर से समेटते हुए रिस्ट को घुमाते हुए पीछे, विश्राम। वेरी गुड। अब आपको कंधे घुमाना है, फिंगर्स इंटरलॉक करके नाभि पर बांधें, कमर से कॉम्बिंग को लगाएं और अब शोल्डर्स का रोटेशन शुरू कर दीजिए। कंधे आपको 3 बार एक डायरेक्शन में घुमाना है, 3 times you have to rotate in one direction and 3 times in opposite direction. 3 बार सीधा घुमाओ, 3 बार उल्टा भी घुमाओ, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपको कोहनियां घुमानी है, हाथों को कंधों पर रखकर नीचे से जोड़ेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। 3 बार एक डायरेक्शन में आपको घुमाना है एंड देन 3 times इन ओपोजिट डायरेक्शन, 3 बार उल्टा भी घुमाना, सीधा और उल्टा, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद में हम नेक मूवमेंट करें, अपनी चिन को राइट शोल्डर के ऊपर ले जाएं, पूरा स्ट्रेच करके होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7। सेंटर में आ जाना है, यस, चिन को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर ले जाना है, पूरा स्ट्रेच करके होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7, सेंटर में आ जाना। इनको फिर से राइट शोल्डर पर ले जाना है, फिर से पूरा स्ट्रेच करके होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, सेंटर में आ जाइए। जिनको फिर से लेफ्ट शोल्डर के ऊपर ले जाइए, पूरा स्ट्रेच होने दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, सेंटर में आ जाइए। अब जिनको आकाश की ओर ले जाना है, पूरा खींचने दीजिए, नेक मसल्स में खिंचाव आने दीजिए, 3 बार मुंह खोलिए और बंद भी, खोलते और बंद करते समय खिंचावों को देखिए, नाक और गर्दन के, 3-3 बार करने के बाद में चिन को नीचे लेकर जाए, कॉलर बोन ले आइए। रिपीट करेंगे, अगेन स्टार्ट ब्रीथिंग योर चिन टुवर्ड द स्काई एंड अगेन 3 times यू विल हैव टू ओपन एंड क्लोज योर माउथ। Again with complete awareness of the neck muscles and the cheeks, even the jaws. 3-3 बार करने के बाद में चिन नीचे लेकर के आ जाएं और फिर लास्ट में गर्दन को लुटकाएं, खुला छोड़कर के गर्दन को लुटकाना शुरू कर दें। In both the direction you have to rotate your neck. दोनों ही दिशाओं में गर्दन को लुटकाइए। यदि आज आपका पैर हमको दिखेगा नहीं, आप तो कैमरा नीचे करना चाहिए। करते जाओ सभी 3-3 बार, बेटर 3-3 बार कर लीजिए। इसके बाद में हम पैर की क्रियाएं करेंगे। जब आप गर्दन की क्रियाएं कर चुके हैं तो पैर को सभी सामने फैलाएं, प्लीज स्ट्रेच योर लेग्स इन फ्रंट, बिकम अवेयर ऑफ द बॉडी, बिकम अवेयर ऑफ योर लेग्स, नो स्टार्ट मूविंग योर टोज इन एंड आउट, इन एंड आउट, यू हैव टू डू इट 30 to 40 नंबर ऑफ टाइम्स, बाहर अंदर 30 से 40 बार कीजिए। अगेन विद कंप्लीट अवेयरनेस यू हैव टू डू इट। Very good. Complete awareness on the joints of your toes. Very good. बहुत अच्छा. Very good. 30 to 40 times that you have to do it. Very good. This is the second exercise which you are doing. Pushing your toes down towards the floor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. पीछे खींचना है. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6. फिर से आगे दबाना है. 1, 2,
तीन चार पांच छह सात, फिर से पूरा पीछे खींचेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक एक बार और करेंगे, दबाइए नीचे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक बार और पूरा पीछे खींचिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, नो स्टार्ट रोटेटिंग योर एंकल्स, एंकल्स को तीन बार सीधा घुमाएं, तीन बार उल्टा घुमाएं। You all know that we are doing the शरीर संचालन, also called the सूक्ष्म व्यायाम, to get rid of the toxins that might keep on getting deposited in your ankle joints or other joints of the body. तीन बार सीधा, तीन बार उल्टा। जब हो जाएगा केत की, तो ankles को right left करना शुरू कर दीजिए। Very good, very good. इन क्रियाओं को करने से आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, फ्लो ऑफ अनाज और द वाइटल एनर्जी विल बी फैसिलिटेटेड थ्रूआउट द बॉडी। घुटने ऊपर नीचे कहते हैं, यस ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आप सभी करो, घुटनों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कीजिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब आपको कहते हैं, एक पैर को उठाकर के टांग पे रख देना है, एंकल विल बी आउटसाइड योर थाई, यू विल हैव टू इंटरलॉक द टोज विद द फिंगर्स, वेरी गुड। राइट हाथ से फुट को पकड़ करके टोज को बाहर मोड़े, अंदर मोड़े, तीन तीन बार करें ऐसा, बाहर अंदर तीन तीन बार कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। फिर एंकल ऊपर नीचे तीन तीन बार कीजिए, वेरी गुड, ऊपर नीचे अवेयरनेस के साथ में करें, अवेयरनेस ऑन द एंकल जॉइंट, फिर इसे तीन तीन बार गोल घुमाना है, वेरी गुड, थ्री टाइम्स रोटेटेड इन वन डायरेक्शन एंड देन थ्री टाइम्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो। पूरी अवेयरनेस आपको एंकल के जोड़ कर रखनी है, उससे जुड़ी हुई मांसपेशियों पर रखनी है, वेरी गुड। और जब तीन तीन बार हो जाएगा, हील को जॉइंट पे लगा देना है, वेरी गुड। राइट हाथ घुटने पे रख करके नीचे दबाएंगे, ऊपर लेकर के आएंगे, नीचे पूरा दबाना है, ऊपर लेकर के आना है, एक बार और करेंगे साहब, नीचे और ऊपर। अब फास्ट करना शुरू करो केतकी, हम शरीर संचालन कर रहे हैं, कोई भी प्रकार, हम पढ़ते थे कोई भी प्रकार का कोई भी रोग हो, आपको मैक्सिमम तो 30-40% इन्हीं क्रियाओं से लाभ मिलता था। यू आर एबल टू गेट बेनिफिट 30-40% बाय डूइंग दिस सिंपल एक्सरसाइजेस ओनली, वेरी गुड। यही सारी क्रियाएं दूसरे पैर से भी करें, जैसे कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, ऑर्थोराइटिस, ऑर्थोराइटिस में तो पूरा ही लाभ मिलता था। चलो टोस का फिंगर से इंटरलॉक करके टोस को बाहर अंदर, व्हाट इज ऑर्थोराइटिस, ऑर्थोराइटिस टॉक्सिन तो जमा होते हैं जोड़ों में और उन्हीं को हम दूर कर रहे हैं, तो बाहर अंदर, फिर एंकल ऊपर नीचे तीन तीन बार, आपके पैर के सारे दर्द चले जाएंगे, आपकी थकान दूर होगी, क्रैम्प्स बंद होंगे, तीन बार गोल घुमाइए सीधा, तीन बार उल्टा घुमाइए, आपके हार्ट का काम आसान हो जाएगा, सप्लाई ऑफ द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, फ्रेश ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड कलेक्शन ऑफ इम्प्योर ब्लड टेकिंग इट अगेन बैक टू द लंग्स, ये सारा काम हार्ट एकदम सरल हो जाएगा। फिर बाद में हील को जॉइंट पे लगा करके घुटना नीचे और ऊपर, नीचे तीन तीन बार करो केत की, पूरी सजगता के साथ करो, वेरी गुड। पूरी फिर फास्ट करो जैसे केत की कर रही हैं, फास्ट कीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अब लास्ट में तितली आसन करेंगे, बटरफ्लाई, दोनों सोल को मिलाइए, हील को नजदीक ले आइए और तितली आसन, बटरफ्लाई कीजिए, आप सभी करो बटरफ्लाई, बहुत बढ़िया, घुटने ऊपर नीचे बटरफ्लाई में, वेरी गुड, बहुत, हाथों से भी करें, यू कैन सी हाउ शी इज डूइंग, यूज योर हैंड्स आल्सो फॉर पुशिंग द नीज डाउन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आप कर रही हैं। और अब लास्ट में दोनों घुटनों को पकड़ करके ऊपर लेकर के आ जाना है और फिर नीचे लेकर के जाना है, एक बार और करें, ऊपर और फिर नीचे। तो इस प्रकार से हमने शुरुआत की शरीर संचालन से, हम रोज करते हैं शरीर संचालन से शुरुआत।